वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल के कीमत में 4 रुपये 53 पैसे इजाफा किया गया, जबकि डीजल के कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। शहरी परेशान है, इसी पर मजीद जानते हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदे सलीम मुगल से। जी सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की तरफ से 15 दिन के अंदर दूसरी बार जो है आवाम पर पेट्रोल पम्प गिरा दिया, जिससे पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये कुछ रुपये इजाफा, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये 26 पैसे इजाफा हो चुका है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मैं से थे पेट्रोल पम्प जहाँ पर शहरी मुझसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे कीमतों में इजाफा होने से। जी ये पम्प पेट्रोल 100 रुपये था, पेट्रोल लिया हुआ है 150 रुपये था, सही है ना? वजीर आजम से हमारी यही अर्ज है, पेट्रोल हर चीज़ सस्ती दी जाए, आपकी बहुत मेहरबानी हो रही है। आई हफ्ते पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, गरीब बंदे त्रावे मोटरसाइकिल चलाते हैं ता जाएंगे, हैं चोरी नहीं तेरे देते नहीं मारे दे और क्या तेरे ने बताओ। जी मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये गुजारिश करूंगा और वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ से ये गुजारिश करूँगा कि वो सियासी सरगर्मियाँ छोड़ कर आवाम को रिलीफ देने का कुछ सोचें। जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं दुनिया की, यानी तमाम चीज़ों की, आटा दाल चीनी वगैरह की कीमतें बढ़ जाती हैं और ये रेंट के मोटरसाइकिल किराया वगैरह इनके भी बढ़ जाते हैं, तो मेरी वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ से गुजारिश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। जैसा कि इनका यही कहना है पेट्रोल कीमतों में इजाफा होने के बाद जो अशिया खुर्दनोश कीमतों में इजाफा हो जाता है, इन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ से यही दरख्वास्त की है कि खुदारा पेट्रोल कीमतों पर नज़रसानी करें, इन कीमतें कम करें ताकि हर शहरी को जो है अशिया खुर्दनोश जो है मुनासिब दाम पर मुहैया हो सकें। जी